lesser accounting. इट्स नॉट डिफिकल्ट. सेम वही चीज है जो लेसी अकाउंटिंग में पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क किया आएगा कि लेसर अकाउंटिंग के अंदर रिसीवेबल रिकॉर्ड होंगे, वहाँ पेएबल होते हैं और यहाँ पर रिसीवेबल, बस ये फर्क नजर आएगा, बाकी कोई फर्क नजर नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा जी, तो पहली चीज तो है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना, एक लेसर अकाउंटिंग और एक डीलर लेसर. लेकिन इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, GIL इसको हम कहते हैं, जो लेसर अकाउंटिंग में हम वर्ड यूज करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, GIL. द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज इज द ग्रॉस अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द लीज एग्रीमेंट बाय द लेसर फ्रॉम द लेसी इज नोन एज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज. जितनी अमाउंट लेसर ने लेसी से रिसीव करनी है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लीज कहेंगे. इट इंक्लूड्स, ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड डाउन पेमेंट, इट विल इंक्लूड रेंटल्स, प्लस अनगारंटीड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू. लेसर और लेसी अकाउंटिंग में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि यहां पर अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी ऐड होती है, जबकि लेसी अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता. This is not as gross investment in lease. दूसरी terminology, net investment in lease, जिसको हम कहते हैं NIL. It very simple, the present value of GIL is known as NIL. यानी ये जो मैंने gross investment in lease लिखा है, ये चार amount लिखे हैं, इन सबको जिस वक्त मैं present value में convert करूंगा, present value में, it shall become a नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, NIL. ये हमारी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज बन जाएगी. ठीक है. तीसरा आता है हमारी टर्मिनोलॉजी, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, व्हाट इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम? इसको इवन स्टैंडर्ड यही डिफाइन करता है कि GIL माइनस NIL. अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज में से नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का डिफरेंस देखूं तो वो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है. ये बड़ी सिंपल सी बात है. एक मैं बहुत आसान करूं समझाने के लिए कि 50,000 रुपीज का एसेट है, आपने 10,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है और 6 इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है. तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि GIL क्या है, GIL इज 60,000, और अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूं, ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी बन जाएगी 50,000, तो ये NIL है. यानी 50,000 की वर्थ की चीज, गुड्स के गेंस या एसेट के गेंस मैं 60,000 पे कर रहा हूं, मैं 60,000 पे कर रहा हूं. तो जो 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं तो वो इंटरेस्ट ही तो है, मैं रिसीव कर रहा हूं एज अ लेसर, लेसी पे कर रहा है लेकिन लेसर रिसीव कर रहा है. तो ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है ये अनअर्न्ड है, अभी अनअर्न्ड है. जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये फाइनेंस इनकम अर्न होती जाएगी और अनअर्न्ड पोर्शन कम होता चला जाएगा. ये ओवरऑल लीज में जो GIL और NIL का डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. ठीक है. अब जरा यहां पर खास तौर पे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की मैं डिस्कशन करूंगा कि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज द बेसिकली सिंपल रेजिडुअल वैल्यू. ठीक है. कि मार्केट में से मुझे कितनी प्राइस मिलेगी, और इसको हम जैसे अगर एसेट में लीज पर देता हूं लेसी को और 5 साल के बाद एसेट मेरे पास वापस आता है, व्हाट विल बी द रेजिडुअल वैल्यू एट दैट टाइम, दिस इज अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू. ठीक है. जिसको आमतौर पे आप सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हो एसेट की, उसको हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का नाम देते हैं. इसको अनगारंटीड इसलिए कहा जाता है, इट हैज नॉट बीन गारंटीड बाय एनीवन, ये कोई गारंटी नहीं दे रहा, बट इट कैन बी सेल, इट कैन बी सोल्ड, द एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट
उसको हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का नाम देंगे। ये चार आपके इसमें चीजें मैक्सिमम आती हैं और यही टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसमें डिस्कस की जाएंगी लेसर अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा इनिशियल मेजरमेंट एंड रिकग्निशन। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, लेसर शैल रिकग्नाइज लीज रिसीवेबल एट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, जरा गौर से बात को सुनिएगा। इससे पहले जो स्टैंडर्ड था वो IAS 16 था लीजिस का, IAS 17 लीजिस का। अच्छा, लीज में उस वक्त ये GIL पे रिकॉर्ड होता था, ठीक है, यानी इसको आप GIL पे रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड ओपन करो, इवन अपनी बुक में एक पैराग्राफ है उसमें पढ़ो, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है एट नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। मैं इसके फोकस क्यों कर रहा हूं, जब मैं इससे आगे क्वेश्चंस में जाता हूं तो एग्जाम आपकी बुक में ICAP का एक क्वेश्चन इसके बाद दिया हुआ है जिसमें उसने GIL पे रिकॉर्ड किया हुआ है। बेसिकली वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, जो पुराना क्वेश्चन है उस वक्त जो सोल्यूशन था उस वक्त GIL होता था, उसने एज इट इज कॉपी कर दिया हुआ है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको रिकग्नाइज करना है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज पर, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी ये भी देख लेते हैं। इनिशियली मैं डेबिट किसे करूंगा, डेबिट करूंगा लीज रिसीवेबल को, या दोनों कोई भी हेड यूज कर सकते हो, इधर यू कैन यूज द वर्ड लीज रिसीवेबल और इवन दैट यू कैन यूज द वर्ड नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। ये डेबिट होगा और क्रेडिट किस वैल्यू पर होगा, ऑब्वियसली इस वैल्यू पर, और इसको क्रेडिट क्या करूंगा, इसके अगेंस्ट एसेट को क्रेडिट कर दूंगा जो एसेट मेरे से जा रहा है। अब इस एसेट का जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो लेसी के पास है, और जैसे हमने पढ़ा है लेसी अपनी बुक में राइट ऑफ यूज एसेट रिकग्नाइज करता है और इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो भी लेसी रिकॉर्ड करता है। लेसर ने तो रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया इसलिए इसने एसेट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन लीज रिसीवेबल उसका डेबिट हो गया। अब ये रिसीवेबल अमाउंट है, जैसे जैसे अमाउंट मुझे रिसीव होती जाएगी रिसीवेबल अमाउंट लेसर अपनी बुक में कम करता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सब्सिक्वेंट आइएगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या करोगे आप, नंबर वन लीज रिसीवेबल, ये बिल्कुल वही चीज है जो वहां पढ़ा था आपने लेसी अकाउंटिंग में, वहां पेएबल का वर्ड था, लीज रिसीवेबल शेल इंक्रीज बाय फाइनेंस इनकम कैलकुलेटेड in accordance with effective interest rate method नंबर टू। और यह हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड, के जो ओपनिंग बैलेंस होगा रिसीवेबल का उस पर आप
रेट इम्प्लिसिट इन लीज लगाओगे और वो जो भी अमाउंट आएगी दैट बिकम्स अ फाइनेंस इनकम. नंबर टू, लीज रिसीवेबल शैल डिक्रीज by 10% करेंगे उससे लीज रिसीवेबल कम हो जाएंगे. अगर मैं इसकी जर्नल एंट्रीज बनाऊं तो बड़ी सिंपल एंट्री बन रही है. पहली, लीज रिसीवेबल शैल इंक्रीज बाय फाइनेंस इनकम. तो क्या एंट्री बनेगी? लीज रिसीवेबल बढ़ेगा तो NIL, जैसे मैंने कहा था कि लीज रिसीवेबल को आप रिप्लेस कर सकते हो NIL से, इसकी पहली एंट्री बनेगी NIL डेबिट या लीज रिसीवेबल डेबिट और फाइनेंस इनकम क्रेडिट. दूसरी एंट्री इसमें होगी, लीज रिसीवेबल शैल डिक्रीज बाय रेंटल रिसीव्ड. फाइनेंस डेबिट होगा बैंक या कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, लेसर अकाउंटिंग है, और उसके अगेंस्ट मेरा रिसीवेबल अमाउंट कम हो जाएगी तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, जिसको NIL भी लिख सकते हो, NIL क्रेडिट हो जाएगा. ये दो एंट्री होंगी. तो अगर लेसर अकाउंटिंग में देखें, लेसी अकाउंटिंग में, तो यही एंट्री करते रहे हो सिर्फ रिवर्स फॉर्म में. यहां फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होता था, फिर लीज लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट होता था, बिकॉज द लेसी हैज टू मेक द पेमेंट वेयर एज लेसर हैज टू रिसीव द पेमेंट. सिर्फ इतना डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्रिएट होता है. ठीक हो गया. अच्छा, यहां अब एक चीज बड़ी अहम डिस्कस करनी है. जी प्लीज सर, अगर लेसर की तरफ से कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अप्लाई होती है जी, वो लगाता है, तो उसकी क्या एंट्री होगी? IDC जो है उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो लेस इसकी में शामिल होती है, लीज रिसीवेबल में वो इंक्लूड होती है, वो कैलकुलेशन में आपने लेनी होती है. लेकिन एक चीज यहां मैं बड़ी अहम आपको समझा दूं. अच्छा, ये आज तक टच नहीं हुआ ये एरिया. कभी जब पहले मॉड्यूल सी होता था उस वक्त एक दफा उसने टच किया था कि उसने रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज नॉट गिवन लेसर अकाउंटिंग में, वो दिया नहीं हुआ था. ठीक है, बेसिकली होता यह है कि लेसर जो है वो आईडीसी पे करता है और उसके बाद वो रिसीव करता है किससे? लेसी से. तो ये जो रेंटल्स वगैरह एग्री हुआ था इसके अंदर इंक्लूड होता है. तो जब वो पे करेगा तो ऑब्वियसली उस वक्त वो एसेट को डेबिट करेगा, और जिस वक्त वो रिसीव करेगा तो लीज रिसीवेबल में उसका इंपैक्ट आ चुका होता है. मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, जब मैं पे करूंगा एज अ लेसर तो मैं डेबिट कर दूंगा एसेट को, क्योंकि मैंने एसेट के साथ पे किया है. अब एसेट डेबिट हो गया. अब एक एसेट मैंने 50,000 का खरीदा था और 1,000 रुपए उसके ऊपर मैंने ये एक्सपेंस लगाया, तो ये ऑटोमेटिकली बन गया 51,000 का. अब मैंने जो एग्रीमेंट करना है लेसी के साथ, उसके अंदर मैं जो भी एग्री करूंगा मैंने 51,000 रिकवर करना है. इसलिए ये एक लाइन जो मैं लिखने लगा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ RIL इज नॉट गिवन, उसके लिए हम कहते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL, जिसको मैं NIL भी कह सकता हूं, यानी जितनी भी पेमेंट आप रिसीव करोगे उसको जो प्रेजेंट वैल्यू मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC, mean initial direct cost. अब जरा गौर से यहां खुद देखिएगा, एक एसेट जो 50,000 का था, 1,000 मैंने रिकवर करना है, 51,000 मैंने लेसी से एग्रीमेंट किया, और जो लेसी मुझे पे करेगा वो मेरे लिए GIL होगा. मैं इसको पहले जरा एक कैलकुलेशन कैसे करनी है ये बहुत जरूरी है. मैं एग्जाम्पल के थ्रू आता हूँ और मैं कहता हूँ जी रेट इम्प्लिसिट जरा कैलकुलेट करिएगा. अब इसमें मैं डेटा में कुछ चीजें लिख रहा हूं. सो फर्स्ट थिंग इज डाउन पेमेंट इज 60,000, रेंटल्स 40,000 पर एनम एट एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ ईयर.
लीज पीरियड 5 years, IDC 6,000 or fair value of asset 194,000 कर दो चलो, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं जी, रेट इंप्लिसिट इन लीज निकालो, रेट इंप्लिसिट इन लीज, सो कैलकुलेट इट, करो जरा आप क्या करो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL मस्ट बी इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC, यानी जो रेट मैं यूज करूंगा इससे ये इक्वल आने चाहिए, सो कैलकुलेट इट करो। एक मिनट के लिए मैं बैठ रहा हूं, फिर देखते हैं आप क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करें। जी हो जाएगा, ये मैं ही करूं। ये इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हो। देखिएगा, यहां से चलते हैं GIL। GIL में मैं क्या डिस्कस किया था, इसमें मैक्सिमम 3 चीजें होती हैं। इसमें गारंटीड रेजिडेंशियल वैल्यू B डाल दें, ठीक है, अगर डाल दो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। GRB और GRB आप ले लो 20,000। रेट इंप्लिसिट इन द लीज इज नॉट गिवन। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो डाउन पेमेंट भी आपका GIL है, रेंटल्स भी GIL है, और GRB भी आपका GIL है, यानी गारंटीड रेजिडेंशियल वैल्यू इज द पार्ट ऑफ GIL। इन तीनों को एड अगर करता हूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू IDC प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डाउन पेमेंट इज 60,000 प्लस, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं की, क्योंकि ये डाउन पेमेंट है और जो डाउन पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के इक्वल होती है। अब आइएगा प्लस रेंटल्स। अब जो रेंटल्स हैं वो 40,000 पर एनम है, एंड ऑफ द पीरियड है और 5 साल के लिए हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो रेंटल्स हैं इस पे अब मुझे एनुइटी लगानी पड़ेगी या नहीं। आंसर इज यस। तो एनुइटी अगर लगाता हूं प्लस 40,000 इनटू 1 माइनस 1 प्लस i, या r लिख लो स्मॉल r, रेज टू पावर माइनस एन, एन का मतलब क्या है 5, डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि आर मैंने फाइंड करना है, आर स्टैंड फॉर रेट इंप्लिसिट इन द लीज, प्लस। अच्छा, अब प्लस मैंने क्या करना है जी, आईडीसी, ये जो मैंने लिखा गारंटीड रेजिडेंशियल वैल्यू 20,000 और गारंटीड रेजिडेंशियल वैल्यू मिलेगी एंड ऑफ द लीज पीरियड इंटू 1 प्लस r, रेज टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट 194,000 प्लस 6,000 IDC।
ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये इतने आराम से नहीं होगी ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये 60,000 यहां जाके माइनस कर देता हूं, ये 200,000 है, इसमें से 60 लेस कर दे तो 140,000 आ जाता है। तो 40,000 इंटू 20,000 इंटू 20,000 इन दोनों में फर्क है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युइटी का मतलब क्या है कि जो आपके 5 साल का जो फैक्टर है वो क्यूमुलेटिव कितना होगा, ये सिंगल फैक्टर होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, शुड बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया 200,000, 60,000 यहां से माइनस हुआ 140,000, दिस इज 140,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इक्वल, ठीक है, क्योंकि दरमियान में रेट है। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलोगे, एक तो फार्मूला इंटरपोलेशन का भी होता है। अब मुझे टेबल लेनी पड़ेगी, टेबल, एक टेबल आपकी दी होगी, अब इस वक्त टेबल बुक में आपके आई थिंक है या नहीं, एनुइटी टेबल होती है एक, क्यूएमएस में आपने देखी होगी, मैं बुक में चेक कर लेता हूं अगर दी हुई है तो। आपकी बुक में नहीं दी हुई टेबल, चले इसको थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं अभी, इसको कल मैं टेबल ले आऊंगा आपको साथ शेयर कर लूंगा, टेबल में डाउनलोड करके ना मेरे पास पड़ी हुई है घर में, उसको मैं आपको भेज दूंगा पिक्चर। इस टेबल के थ्रू ना हम दो रेट लेते हैं, एक कोई भी रेट ले लेते हैं, ठीक है, सपोज एक 10% पे लिया इस वैल्यू को, जो कि यकीनन इसके जो आंसर आएगा वो 140 के इक्वल नहीं आएगा, एक में आंसर प्लस में लेना है, एक आंसर माइनस में लेना है, ठीक है। यानी अगर मैं 10% लेता हूं, 10% का फैक्टर अगर मैं लेता हूं एन्युइटी फैक्टर, तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, चलो हो जाएगा कोई मसला, इसमें 10% पुट करके देखो, यानी 1 माइनस 1 प्लस 10% यानी 1.10 रेज टू पावर -5 डिवाइड बाय 0.10, कैलकुलेट कीजिएगा कितना आया 10% एन्युइटी फैक्टर, ये कैलकुलेट हो जाएगा कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट करो, थ्री पॉइंट सेवन नाइन, 3 डेसिमल तक तो इसका वैसी टेबल होती है, सर 3.79 ही आ रहा है, पूरा पूरा है, यस सर 790, चलो मान लेता हूँ, प्लस 20,000। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना, यानी 1.10 रेज टू पावर -5, 0.621 अब इसको सॉल्व करो कितना आंसर आया, 40,000 इंटू 3.790 प्लस 20,000 इंटू 0.621, ओवरऑल क्या आंसर आता है, सर 164,020 अब जरा देखिएगा गौर से, 10% पर 164 बन रहा है, जबकि ये कितनी होनी चाहिए 140,000। जब मैं रेट को बढ़ाऊंगा तो बताओ ये बढ़ेगी या कम होगी, शाबाश,
अगर मैं रेट 10% की बजाय रेट को 11% कर दूं तो ये जो आंसर है 164,000 जो अब रिजल्ट आएगा, क्या ये 164 से हायर होगा या लोअर होगा? ये तो QMS का क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों से। सर हायर पे लो होगा सर। अगर रेट हायर होगा तो प्रेजेंट वैल्यू लोअर होगी सर। लोअर होगी, ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मुझे ये 140,000 से एक अमाउंट ऐसी चाहिए जो 140 से कम हो। ये जो अमाउंट कैलकुलेट की है ये 140 से ज्यादा है। अब एक अमाउंट और लगाऊंगा जो 140 से कम हो, ठीक है। उसके लिए क्या करूंगा, मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं रेट ले जाता हूं एहतियातन 18% पर। अब 80% पर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। प्लस 20,000 इंटू इसका 18% पे फैक्टर निकालिए ना, अब इसका ओवरऑल आंसर निकालें। शाबाश सर। 133,822। अब देखिए बड़ा सिंपल सीरीज है कि जो आंसर है दैट शुड बी 140,000। 18% पर 133 आ रहा है, तो अगर मैं 140 पे लाना चाहता हूं तो रेट बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सर। कम करना पड़ेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, देखो मेरी जो ये आंसर आ रहा है 140,000, ठीक है, इसमें से लो रेट लीजिएगा। इसका बेसिकली हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट। इस पे एनपीवी कितनी है, 164,020 होल डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट 164,020। अच्छा एनपीवी इस तरह नहीं निकालनी, आपने इसका डिफरेंस लेना है। देखो इसमें से अगर मैं 140,000 लेस करूं दैट इज 24,020 और इसमें से भी 140,000 लेस करूं तो क्या आंसर आता है? जी 133,822 माइनस 140,000 ये माइनस में आएगा 6178, ठीक है। अब अगर मैं ये रेट इम्प्लिसिट अगर निकालना चाहता हूं तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो मैं लिख देता हूं लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट होल डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीबी एट हाई रेट इंटू हाई रेट माइनस लो रेट। अब इस फार्मूला को यूज करूंगा, इसको कहते हैं इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन के मेथड से कैलकुलेटेड है फार्मूला। इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब लो रेट मेरा कितना है 10%, ये दो जो मैंने यूज किए हैं। लेकिन ये याद रखिएगा ज्यादा रियलिस्टिक आंसर तब आता है जब एक प्लस में कन्वर्ट हो एक माइनस में आंसर आए, और ये उसी वक्त पॉसिबल है कि एक आंसर इससे ज्यादा हो और एक आंसर इससे कम हो, ठीक है। तो अब इसमें एनपीवी एट लो रेट, ये लो रेट है, इस पे एनपीवी आ रही है 24,020। इसको एनपीवी इसलिए कहा जाता है कि इसमें से ये माइनस होके आ रही है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट
माइनस, अब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जब भी एनपीवी हाई रेट में लोगे ये माइनस में होगी, हाई रेट पे जो एनपीवी है वो माइनस में है, तो इसलिए प्लस हो गई 6178 इनटू हाई रेट कितना है हमारे पास 18 माइनस लो रेट 10, और ये जो आंसर इसका आना है ये इसको आप ये ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो लिहाजा ये 10% आया। आप इसको कैलकुलेट करें, इन दोनों को ऐड कर लें, पहले 24020 को इस पे डिवाइड करें और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें क्या आंसर आता है। इतने हिस्से का आंसर बताते हैं सर, पूरे को कन्वर्ट करते हैं अगर, तो 0.1636 आ रहा है। और भाई जीरो में नहीं निकालना ना, जो मैंने लिखा है उसको कैलकुलेट करो, अपनी उस्तादियां पर दिखाओ। मैंने कहा है इसको इसमें डिवाइड करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? आप कह रहे पॉइंट्स पॉइंट्स में आ ही नहीं सकता। अब इसमें 10% ऐड किया तो 16.36। और देखो एक लॉजिकल चीज भी आपको लगाओ, ये जो 10% और 18% है इसमें करीब करीब किसके है, यानी 140 ज्यादा करीब किसके है 18 के, तो आंसर उसके करीब। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं 16.36% पर, दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट होनी चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगी ये याद रखना है, हाँ अप्रोक्सीमेशन में आएगी। अब अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं, अब मैं प्रॉपर वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूं, इस तरह दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट, तो इसमें वैल्यू पुट करें, इसको यहां ला रहा हूं क्योंकि ये मैंने 2 decimal लिया, अगर मैं 3 लूंगा और एक्यूरेट होता जाएगा, 4 लूंगा और एक्यूरेट होता जाएगा, जितने डेसिमल बढ़ाऊंगा ज्यादा एक्यूरेसी होती जाएगी, लेकिन क्योंकि हमने इसमें राउंडिंग की होती है इस वजह से थोड़ा सा फर्क आता है। अब देखो 60,000 प्लस 40,000 into 1 minus 1.1 plus r, yani 1.1636 raised to power minus 5 divided by 0.1636 plus 20,000 into 1 plus r, yani 1.1636 raise to power minus 5 is equal to, इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो 200,000, बल्कि ये 60 भी वहां माइनस हो जाएगा तो is equal to 140 कर दो। अब पहले इतने हिस्से को कैलकुलेट करें, 40,000 into 1 minus 1.1636 raise to power minus 5 divided by 0.1636 क्या आंसर आता है? मल्टीप्लाई किया 40,000 से? नो सर, वो भी करो तो अब तो अमाउंट निकाल रहा हूं। वन थ्री डबल जीरो टू सेवन प्लस। अब इसी तरह इस हिस्से को सॉल्व करो, 20,000 इंटू 1.1636 रेज टू पावर माइनस 5 9375 इसको ऐड कीजिएगा, देखें क्या आंसर आता है। 1394 402 ठीक है, जबकि ये कितना आ रहा है 140,000।
तो ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं IRR की, इसको हम IRR भी कहते हैं ना इसको, तो इसका जितना ये डिफरेंस कम होगा ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा। इसको इसलिए हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस। लेकिन हम क्वेश्चन में इसी मेथड से अब सॉल्व करेंगे, अब इस रेट इम्प्लिसिट इन लीज को लेकर उसको सॉल्व करेंगे। ये बीच में आपने क्वेश्चन किया तो मेरे माइंड में आ गया कि चलें इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो रेट इम्प्लिसिट इन लीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेबल मेथड भी मैं करवा दूंगा आपको, वो भी इसी तरह होता है, इजी है। आगे सारा प्रोसेस, ये जो टेबल वैल्यू है ना, ये टेबल में दी होती है, बजाय कि हम खुद कैलकुलेट करें वो टेबल से उठा लेते हैं, बस इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक है, सो ओके जी, अब जरा एग्जांपल निकालिएगा। आप बुक में अपनी बुक खोलिएगा, पेज नंबर 553। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक दो डिस्कशन और कर लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है। सेम प्रोसेस, पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यानी इसमें वही चीज है, पहला स्टेप ये है कि आपने कैलकुलेट करना है NIL। ऑब्वियसली NIL क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि जितनी भी लीज रेंटल्स आपको फ्यूचर में रिसीव होने हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, दैट इज इक्वल टू NIL। सेकेंड स्टेप ये है कि आप स्केड्यूल बनाओगे। अब स्केड्यूल में सिर्फ फर्क क्या आएगा, सेम वही कॉपी है, डेट जहां पर आप लिखते थे लीज पे लीज लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, यहां अब मैं लिखूंगा रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, यानी NIL का ओपनिंग बैलेंस। फिर जितनी भी फाइनेंस इनकम है, जो भी रेट होगा उसके मुताबिक ये इसमें प्लस हो जाएगी, यानी इसमें ये प्लस होगी, और जो रेंटल रिसीव किए हैं आपको, रेंटल रिसीव्ड, उससे मेरी NIL कम हो जाएगी, और उसके बाद हमारा NIL का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह लेसी अकाउंटिंग में है, लेसर में भी ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जब ये कैलकुलेट हो गया, अब क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में आए, एंट्रीज हैं, एंट्रीज अभी मैंने बताई, इनिशियल क्या एंट्री होगी और सब्सिक्वेंट क्या होगी। हाँ, अब जो अहम चीज है जो मैंने आपको बतानी है, एंड दैट इज डिस्क्लोजर। उसके डिस्क्लोजर और इसके डिस्क्लोजर में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, लेसर का डिस्क्लोजर देखते हैं। मैं जब नोट बनाऊंगा, कोई भी नोट नंबर ले लेते हैं, लाइक नोट नंबर 4, और ये नोट बन रहा है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। जब आप लेसी अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर बनाते हो तो नेट अमाउंट पे बनाते हो, ये ग्रॉस पे बनाना है, पहले ग्रॉस पे लेकर आना है फिर कन्वर्ट करना है उसको नेट पे। अब इसमें जैसे अब आप सबसे पहले लिखोगे जी रेंटल्स, जितने रेंटल मैंने रिसीव करने हैं वो सारे यहां लिख दो टोटल करके, और ये ग्रॉस अमाउंट में होगा, ये याद रखिएगा, ये ग्रॉस अमाउंट में जो रेंटल रिसीव कर रहे हो। जैसे मैंने शुरू में जब ये स्टार्ट किया था तो एग्जांपल की दी थी कि 50,000 है और 10,000 इंटू 6 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो मैं यहां पर 60,000 लिखूंगा, 50 नहीं लिखूंगा, बिकॉज पहले स्टेप पे GIL निकालना है। ठीक है, इसको लिया, फिर इसमें प्लस करोगे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, जो भी क्वेश्चन के अंदर दी हो रेजिडुअल वैल्यू, इसको प्लस करोगे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, इसको प्लस करोगे, इनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, दिस इज नॉन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। ठीक है, उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज लिखने के बाद
आप इसमें लेस करोगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, क्योंकि मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज को कन्वर्ट करना है एनआईएल में, और हम पहले क्या पढ़ चुके हैं जीआईएल और एनआईएल में जो डिफरेंस है वो किस चीज का, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इसमें से मैं लेस करूंगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। जब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेस होगी, अब जो आंसर आएगा दिस इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब ये जो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आई है, इसमें से अब लेस कर दोगे करंट पोर्शन, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले भी पढ़ा था, लेस करंट पोर्शन, यानी वो पोर्शन जो अगले साल आपने रिसीव करना है वो करंट पोर्शन कहलाएगा, और उसका वही ट्रीटमेंट है। यानी इस साल का अगर मैं डिस्क्लोजर बना रहा हूं तो इससे अगले साल का जो रेंटल रिसीव होगा उसमें से ये लेस करके जो अमाउंट आएगी वो करंट पोर्शन होगा, और जो आखिरी अमाउंट होगी वो नॉन करंट पोर्शन आ जाएगा। दिस इज नॉन एज नॉन करंट पोर्शन। तो इसका जो डिस्क्लोजर में एक फर्क तो ये है। अच्छा, उसके बाद जब आप मैच्योरिटी एनालिसिस करोगे, एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, अगर हमारे पास डाउन पेमेंट भी होगी तो सर उसकी तो फिर वहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऐड होगी ना, अगर हम जीआईएल निकाल रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये तो डिस्क्लोजर है ना, डिस्क्लोजर ईयर एंड पर होता है, और अगर कोई डाउन पेमेंट है तो वो पे हो चुकी है, वो तो वैसे ही माइनस होगी, वो रिसीवेबल तो नहीं है ना अब आपका। ये तो रिसीवेबल का बना रहा हूँ डिस्क्लोजर, ये लीज का नहीं है, ओवरऑल लीज अमाउंट ही निकाल रहा मैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। यानी ये सिर्फ उन अमाउंट की जीआईएल है जो अभी मैंने रिसीव करनी है, जो रिसीव होती जाएगी। देखो, हर साल के एंड पे जीआईएल कम होता जाएगा ना, क्योंकि जो अमाउंट मैं रिसीव कर लूंगा वो टेक्निकली कम होती जाएगी। मेरी बात समझ गए? ये सर समझ आ गया सर, कॉन्सेप्ट आ गया समझ। अच्छा, अब आइएगा उसमें मैच्योरिटी एनालिसिस, नॉट 4.1 मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा, लेसर अकाउंटिंग में आपने जो मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है वो सेम वही है जो जो आपने लेसी अकाउंटिंग में बनाया था, वो भी ग्रॉस पे था, चूंकि अनडिस्काउंटेड का वर्ड भी लगाते हैं ना इसके साथ, लिख लेते हैं, यानी कि अनडिस्काउंटेड है ग्रॉस अमाउंट पे, ये भी ग्रॉस पे है। लेकिन फर्क ये है, वहां हमने पढ़ा था लेस देन वन ईयर, ग्रेटर देन वन ईयर बट लेस देन फाइव ईयर एंड मोर देन फाइव ईयर। यहां पर हर साल का अलग अलग शो करना है लेसर में, यानी अब मैं क्लियरली लिखूंगा लेस देन वन ईयर, यानी अगले साल जो पेमेंट करनी है रिसीव करनी है वो आएगी। फिर आप लिखोगे बिटवीन 1 to 2 years, फिर लिखोगे बिटवीन 2 to 3 years, देन लिखोगे बिटवीन 3 to 4 years, देन लिखोगे बिटवीन 4 to 5 years, और उसके बाद लिखोगे ग्रेटर देन 5 years। यानी अप टू 5 years आपने एक एक साल शो करना है, एक एक साल शो करना है। और यह मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, इवन आपकी बुक के सॉल्यूशन में उसने ऐसा नहीं किया हुआ, लेकिन आप उसका ओरिजिनल आप रेड बुक उठाओ, रेड बुक के डिस्क्लोजर में जाओ, उसके डिस्क्लोजर लेसी का डिस्क्लोजर देख लो, लेसर का डिस्क्लोजर देख लो, आपको खुद नजर आ जाएगा। आपने उस तरह नहीं करना, जो स्टैंडर्ड कह रहा है बस उसको फॉलो करो। ठीक है, आपने हर साल को अलहदा शो करना है, और जो ग्रेटर देन फाइव ईयर्स में बात रिसीवेबल है वो अलहदा आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट जो है, ये अमाउंट किसके इक्वल होगी, ये एक्चुअली अमाउंट रिसीव होगी इक्वल होगी इसके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज के। बस इतना सा हिस्सा आपने इसमें शो करना है, राइट? तो इसमें ये डिफरेंस है डिस्क्लोजर में, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, इसकी कैलकुलेशन में आप खुद करोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये पेज नंबर 553 पर आइएगा, एग्जांपल नंबर 7, श्वेब लीजिंग लिमिटेड। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था आपने नेट इन्वेस्टमेंट पे एंट्री रिकॉर्ड करनी है, जिस तरह इसके सॉल्यूशन में जीआईएल पे रिकॉर्ड हुई है उस तरह नहीं करनी।
So Shweb Leasing Limited, the lessor, has entered into three-year agreement with Sir Faraz Limited, the lessee, to lease a machine with an expected useful life of 4 years. The cost of machine is 2.1 million. Following information relating to the lease transaction is available. Date of commencement of lease, 1st July 2016. The lease contains a purchase bargain option at 100,000. At the end of lease term, the value of machine will be 300,000. Batayega ki ye option exercise hogi ya nahi? Is it reasonably certain that option shall be exercised or not? होगी सर एक्सरसाइज होगी तो इसको भी आप अकाउंट फॉर करोगे और लीज इंस्टॉलमेंट ऑफ 860,000 आर पेएबल एनुअली इन एरियर ऑन जून 30 रेट इम्प्लिसिट 12.9972% सेम उसी तरह आपने कैलकुलेट करना है तो पहले इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो दो अमाउंट्स को 860,000 वाले के भी और जो आपकी 100,000 की ऑप्शन है उसको भी तो ये देखोगे एग्जैक्टली 2.1 मिलियन के ही इक्वल आएगा और फिर आपने स्केड्यूल बनाना है और एंट्रीज करनी है और एक्सट्रैक्ट बनाने हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन जरा खुद करना क्योंकि कल मैं पहले करूंगा डीलर लेसन जो सबसे अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जरा कर लेना अगर कोई मसला होगा तो डिस्कस करेंगे नहीं तो फिर डीलर लेसन की तरफ मैं मूव करूंगा एक्सक्यूज मी सर जी बच्चे सर ये ग्रांटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनग्रांटेड रेसिडुअल वैल्यू का सर थोड़ा डिफरेंस बता दें सर क्योंकि जो परचेज ऑप्शन वगैरह होते हैं इसको तो सर हम ग्रांटेड लेते हैं तो सर फिर अनग्रांटेड क्या होगा देखो जब आप खुद कहते हो कि इट इज रीजनेबली सर्टन द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइजेबल इट इज रीजनेबल द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज ठीक है तो इसका मतलब ये गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू मान रही है क्योंकि आपका लेसी एंड ऑफ द पीरियड हमें ये अमाउंट पे करेगा ठीक है और अनगारंटीड वो वैल्यू होती है जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है लेकिन एक मार्केट में हमें मालूम है कि ये शायद इतने में सेल हो जाए देखो उसमें प्राइस अप एंड डाउन हो सकती है इसलिए हम उसको अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का नाम देते हैं ठीक हो गया ओके सर थैंक यू ओके जी